नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हर बार की तरह के एक स्टॉक मुझे लग रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। 20-25% आपको रिटर्न दे सकता है, या कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। तो स्टॉक का नाम आपके सामने दोस्तों, बंधन बैंक, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। बैंक भी बहुत अच्छी है, आपको सबको पता रहेगा। पिछले बहुत 1-2 साल से एक फेज में कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग भी हो रही है, एक चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बन रहा है। वन बाय वन हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे टेक्निकल, कि हमें क्या दिख रहा है और हमें कौन से लेवल पे एंट्री लेना है, एसएल रखना है और टारगेट रखना है। दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एनालिसिस करके रखा हूँ, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, बंधन बैंक लगभग 700-750 से लेके लगभग 200 के पास आया था अभी रिसेंट मार्च में। उसके बाद वापस ने 266 हाई मारा, वापस नीचे आया 210 तक, और वापस से 253 के आसपास गया। इसका जो रेंज है दोस्तों, ये रेंज देखिए, ये रेंज के अंदर ही काम कर रहा है लगभग। तो हमें क्या करना है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है? दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक अच्छा ही है। लॉन्ग टर्म के लिए आप तो स्टॉक अभी भी बाय कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर में स्टॉक नहीं लेते, क्योंकि उस वैसे इंसिडेंसेस हुए हैं दोस्तों। आप एस बैंक देख सकते हो, अच्छा बैंक था, लेकिन फ्रॉड के वजह से वो आज स्टॉक 20-23 रुपीज़ पे चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हर एक बैंक में फ्रॉड हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ चार्ट के प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करना है। अगर हमारा एस एल हिट हो जाता है तो उससे हम निकल जाएंगे, और वहीं से हम वो स्टॉक में से निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसने 2 बार ये लेवल पे सपोर्ट लिया। एक 2020 में जब कोरोना का पीरियड था दोस्तों, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर गया लगभग 500 के आस, 450 के पास, वापस यही पे टेस्ट किया। और यहाँ पे देखिए, इसने एक हायर हाई बनाने का स्टार्ट किया है मंथली चार्ट पे। यहाँ पे मंथली चार्ट पे हायर हाई पैटर्न आपको डब्लू दिख रहा है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 ट्रेंड लाइन निकाली दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है ऑलमोस्ट, और वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। और उसके बाद ये सेकेंड एक फॉलिंग वेज पैटर्न की तरह बन रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक रेंज में काम कर रहा है लगभग 2 साल हो गया दोस्तों। ये चैनल के अंदर ही काम कर रहा है, दिख रहा है कि आपको? ये वीकली चार्ट है दोस्तों, ये मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, मतलब आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये चैनल को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों। देखिए, इस यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, वापिस ये गया रेजिस्टेंस सपोर्ट, वापिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस चैनल के पास इस टाइम ये आया नहीं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वापिस इसने ब्रेकआउट की तरफ मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। तो हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है दोस्तों, ये वीकली चार्ट पैटर्न है। तो हमें यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 280। जैसे ही 280 क्रॉस होगा बंधन बैंक में, डेफिनेटली टारगेट हमें दिख रहा है 350-360 तक, इमिडिएटली टारगेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 280 का वेट करना है क्या? 280 से पहले हम बाइंग कर सकते हैं क्या? हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है वो भी देखेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लेवल तो ये सेफ ट्रेडर जो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते उन्हें सिर्फ, हाँ रिस्क तो रहेगा दोस्तों, अगर ब्रेकआउट भी हो जाएगा, अगर फेलियर रहेगा तो नीचे आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, आपका ऐसे लेके भी जा सकता है। तो रिस्क हर एक ट्रेड में है, लेकिन कम से कम रिस्क जो लेना चाहते वो वेट करेंगे 280 लेवल का ब्रेक होने का। 280 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल गई तो उस दिन आप उस ट्रेड में एंट्री कर लीजिए। टारगेट 370 तक रहेगा, जो कि लगभग आप देखोगे तो 20-25% आपको देखे जाएगा। ओके, लेकिन जिनको अभी एंट्री करने में, आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आप डेली टाइम फ्रेम देखिए। अगर स्टॉक को नीचे जाना रहता दोस्तों, तो स्टॉक क्या करता था, इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, देखिए आज का वॉल्यूम देखिए, बड़े प्लेयरों का काम है दोस्तों, और कैंडल भी अच्छी बनी है। लेकिन इसका अभी हमें कंफर्मेशन लेना है, कौन से लेवल का लेना है, 280
250, 260, 260 के ऊपर अगर ये चला जाता है, आज के कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा कल और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, अगर वो ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली हम बाइंग में बैठेंगे। हमारा एसएल रहेगा 240, ये कैंडल का लो या अगले कैंडल का लो, आपके रिस्क के हिसाब से। ओके, हमें यहाँ पे एसएल रहेगा कम से कम 5%, मैक्सिमम 10% यहाँ पे एसएल देंगे, उससे ज़्यादा हम एसएल नहीं रखेंगे। टारगेट हमारा 25% रहेगा, उसी हिसाब से हम ट्रेड में देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आज लगभग 6% 6% तक दिखा रहा था दोपहर को, क्लोजिंग के टाइम 5% के आसपास आ चुका है बंधन टाइम। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे बने हैं दोस्तों, कैंडल भी अच्छे बने हैं। जैसे एक कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम डेफिनेटली इसको स्टॉक में एंट्री करेंगे। टारगेट हमारा 350 370 तक रहेगा शॉर्ट टर्म में। ओके, 350 370 तक। लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा टारगेट है, जो लॉन्ग टर्म में कैरी करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म में कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे और क्या कन्फर्मेशन मिले वो भी देखेंगे। ये चार्ट पैटर्न आपकी इसके ऊपर ड्रॉ करके रखिए दोस्तों, आपको बहुत ही काम आएगा। अभी वॉल्यूम देख लिया तो इसलिए वॉल्यूम का निकाल देता हूँ, आपको आरएसआई का दिखा देता हूँ दोस्तों। हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, लेकिन वापिस इसने 60 क्रॉस दिया। अभी 68 चल रहा है दोस्तों, 68। तो शॉर्ट टर्म में ये बुलिश है। ओके, मिड टर्म में ये देखते क्या आता है, वीकली में। मिड टर्म में देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 58 है, मतलब 60 को क्रॉस करेगा। जैसे ही मिड टर्म में भी 60 क्रॉस करेगा ये बुलिश हो जाएगा, मतलब लगभग 6 महीने से लेके 1 साल तक ये स्टॉक बुलिश रह सकता है। ओके, तो ये हमने शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का देख लिया। अभी यहाँ पे हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है दोस्तों, मूविंग एवरेज, उसका देख लेते हैं, उसमें क्या व्यू बन के आ रहा है, उसका व्यू हमें क्या दिखा रहा है, 1334 जो हमारा है इंडिकेटर। ओके, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे इसने ऑलरेडी क्रॉस ओवर दे दिया है। जैसे ये प्रीवियस जो स्विंग हाई था, डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेवल था 224 का, यहाँ से इसने लगभग बहुत अच्छा रिटर्न 10-20% तो दे दिया है। और वहाँ से वापस इसने रिटेस्ट किया और यहाँ पे आज वापिस 20 के आसपास, 13 के आसपास मस्त ग्रीन कैंडल बनी विथ वॉल्यूम। तो हमें आरएसआई ने भी और मूविंग एवरेज ने भी, दोनों इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दे दिया है, एज वेल एज सिर्फ प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेना है हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी दोस्तों, हम बंधन बैंक को 350 370 तक कैरी करेंगे, 25% प्रॉफिट बुक करके ही जाएंगे। तो दोस्तों ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, उसी हिसाब से आपका भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए और आपका जो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसके हिसाब से आप स्टॉक में लेना या नहीं लेना उसके साथ कंसल्ट करके स्टॉक में एंट्री लीजिए। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको यहाँ पे। हाँ, ये भी ड्रॉ करना भूल गया मैं, लॉन्ग पोजिशन आपको खा लेनी है। लॉन्ग पोजिशन लगभग यहाँ से, ओके, 262 के ऊपर एसएल हमारा यहाँ पे 7% रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से 25%, ठीक है, यहाँ तक रहेगा, मतलब 330 तक भी मिल गया तो हमारा 25% टारगेट हो जाता है दोस्तों। तो उसी हिसाब से आपको ये लेवल्स ड्रॉ करके दिए। एसएल यहाँ पे आपको रेड में एसएल रहेगा 242 के आसपास, 47 के आसपास एंट्री हमारी रहेगी। लगभग यहाँ पे ब्लू कलर का हमारा एंट्री रहेगा 262 के आसपास, और टारगेट हमारे अपर ट्रेंड लाइन तक रहेगा जो कि है 2330 तक। तो उसी हिसाब से आपको ये स्टॉक में बने रहना है। आपके लिए सब लेवल्स और सब एसएल और एंट्री मैंने ड्रॉ करके दिए, उसी हिसाब से रखिए। फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।